नमस्ते दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। आज मैं आप लोगों के सामने स्टॉक मार्केट के बारे में बात करूंगा, दुनिया के प्रमुख स्टॉक मार्केट्स के बारे में बात करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि अगला जो फॉल है, अगला जो क्रैश है स्टॉक मार्केट्स में, अगली जो गिरावट है स्टॉक मार्केट्स में, अगली जो बड़ी गिरावट है स्टॉक मार्केट्स में, अच्छी खासी गिरावट की बात कर रहा हूं मैं, वो कब हो सकती है? मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि मार्केट्स कब अच्छी तरह गिर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने एक विनती करना चाहता हूं कि कभी भी मेरे वीडियो देखकर, मेरे वीडियो सुनकर, मेरी रेंज सुनकर इंडिसेस के बारे में कभी भी कोई ट्रेड ना लें। स्टॉक मार्केट या कमोडिटी मार्केट या कहीं पर भी कोई भी ट्रेड ना लें, इस जिंदगी में ना लें, यही आप लोगों के सामने मेरी विनती है। और दूसरी बात, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं ये जो भविष्यवाणी करता हूं, ये अंक ज्योतिष और ज्योतिष के हिसाब से करता हूं, तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें मेरे वीडियो देखते समय। देखिए, मार्केट्स 5-10% गिरती हैं और फिर रिकवर हो जाती हैं, फिर ऊपर आ जाती हैं। ये साल कुछ ऐसा ही रहा है कि मार्केट्स 5-10% गिरी और फिर मार्केट्स ने रिकवरी कर दी, मार्केट्स ऊपर आ गए और कुछ समय भी नहीं लगा मार्केट्स को रिकवर करने में, ऊपर आने में। देखिए, मुझे कई हजार मैसेज आ चुके हैं बताने के लिए कि कब नेक्स्ट क्रैश होने वाला है, अगला क्रैश, अगली अच्छी गिरावट कब होने वाली है। देखिए, मैं कोई 5-7% की गिरावट की नहीं बात कर रहा, मैं 10-15% की गिरावट की बात कर रहा हूं स्टॉक मार्केट्स में। और हो सकता है उस समय 15% से भी ज्यादा मार्केट्स में फॉल आ जाए। हाँ, 15% से ज्यादा की भी गिरावट आ सकती है उस समय। देखिए, मार्केट्स में नेगेटिव न्यूज आ रही है, नकारात्मक खबर आती ही रहती है, मगर मार्केट्स नीचे जाने का नाम ही नहीं ले रही। मार्केट कुछ गिरती है और फिर बढ़ जाती है, यही नियम रहा है स्टॉक मार्केट्स का इस साल। और लोग मेरे से जानना चाहते हैं, मेरी भविष्यवाणी सुनना चाहते हैं कि कब स्टॉक मार्केट्स गिर रहे हैं अच्छी तरह, मतलब 10-15%, और कब तक रिकवर कर हो सकती है वो स्टॉक मार्केट्स जब गिरेंगी। देखिए, मेरी ज्योतिष और अंक ज्योतिष की भविष्यवाणी ये है कि अगले साल 8 जनवरी 2025 से लेकर 26 अप्रैल 2025 के बीच में स्टॉक मार्केट्स, दुनिया के प्रमुख स्टॉक मार्केट्स जोरों से गिरेंगे और हो सकता है मार्केट्स 10-15% भी गिर जाएं और हो सकता है 15% से ज्यादा भी गिर जाएं। और ये जो गिरावट होगी, 10-15% वाली गिरावट जो होगी, वो एकाएक मार्केट्स रिकवर नहीं करेंगे, वो मार्केट्स को रिकवर होने के लिए करीब 45 से 60 दिन लग सकते हैं। हाँ, मार्केट्स गिरेंगी और आस्ते आस्ते करके रिकवर करेंगी, 45 से 60 दिन भी लग सकते हैं उस मार्केट को ऊपर आने में। तो मैं आप लोगों के सामने तारीख फिर से बोल देता हूं, 8 जनवरी 2025 से लेकर 26 अप्रैल 2025 के बीच में एक मार्केट में क्रैश आएगा, फॉल आएगा, अच्छी खासी गिरावट आएगी, मार्केट्स करेक्ट करेंगे और अच्छा खासा करेक्ट करेंगे। अगली जो बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है वो इस समय आ सकती है, दुनिया के प्रमुख स्टॉक मार्केट्स में। तो बस इस वीडियो में ज्योतिष और अंक ज्योतिष के मुताबिक जो भविष्यवाणी मैंने करनी थी वो यहीं पर मैं समाप्त करना चाहूंगा, और अब मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। जय माता दी, जय मां काली।